मतलब सस्पेंशन सही नहीं है क्या केबिन वाला? 40 के ऊपर सैलरी हो। हाँ, उसके बाद टेलीवर से कर देंगे। हाँ, इसको लॉक लगा देंगे। अरे कुछ नहीं भैया, हम दूसरा काम नहीं किए। बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है। आठ में जाएंगे, इसे भी पार्टी वाले का ऑर्डर रहेगा। 1000 किलोमीटर का एरिया देते हैं वो कि इतना इतने में चलना है। ये हाई बेड है, एक लो बेड आता है। क्या फर्क होता है वैसे? तो कर नहीं सकते हो। ईमानदारी है तो ईमानदारी में से वायरस नहीं आएगा। इससे वायरस नहीं आएंगे गाड़ी में। अब अच्छी पेमेंट बता, इनकी भी फिर उतनी हो जाए तो ये तो अच्छा खासा भाड़ा है यार। उत्तर दुबई, सऊदी, कुवैत में नहीं माने आप? जाना है मुझे तो। आप, मैंने उसका इंटरव्यू करा है, आप मेरे चैनल पर देखना भी, मैं बताऊंगा आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव 4023.s, मतलब 4023.s। आपकी एक और डिमांड पूरी हो गई, ब्रांड न्यू बीएसएस सिग्नल मिल गया। ये एक हफ्ते पहले ही मेरे पास डिमांड आई थी कि भाई 4023.s का बनाना। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जो 5530 बड़े ट्रेलर में आता है, 6.7 लीटर 6700 cc 6.7 लीटर का इंजन इसमें आता है। पावर की बात करें तो 227 HP की पावर होती है, 870 Nm का टॉर्क होता है, 40,200 kg 40,200 kg पूरा इसका ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, 28 टन ये पासिंग आता है, 2800 kg ये पासिंग आता है। अब मैं आपको ट्रक दिखाते दिखाते पूरी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि बड़ा अच्छा बिल्कुल नया ट्रक है। भैया चलाते हैं, ट्रेलर पे चलाते हैं तो इसमें कंटेनर वगैरह रख के आता है, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी। ये देखिए सिग्ना की वही वाली प्रोफाइल, हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ, गुजरात नंबर पर ट्रक है, नीचे आरो बनाया, मॉडिफिकेशन में कुछ नहीं, हेडलाइट बड़ी खूबसूरत लगती है, ये कवर करने के लिए लगा दिया। अगर आप सिग्ना वगैरह लेते हैं तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि हेडलाइट पूरी आपकी कवर हो जाती है। यहाँ पे आप बैजिंग देखेंगे 4023.s। धर्मेंद्र भाई हमारे साथ है। धर्मेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र भाई यूपी के, कुछ नटबोल्ट गिर गया शायद आपका। धर्मेंद्र भाई यूपी के हैं, ट्रक गुजरात का है। ये सिग्ना की बैजिंग आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, बाकी नॉर्मल सी प्रोफाइल सिग्ना की होती है, बिल्कुल नया है, दूसरा ही चक्कर है। 1 2 3 4 5 6 7 7 × 14 टायर ट्रक होता है ये, इसका फिल्टर लगा हुआ है। ये 365 लीटर का डीजल टैंक है, ये एड ब्लू टैंक है। एड ब्लू टैंक कितने लीटर का होता है धर्मेंद्र भाई? 60 लीटर का एड ब्लू टैंक होता है। ये देखो आप इतना अच्छा जो बड़ा सारा कवर लगा हुआ है, एक तो होता है लो बेड, ये होता है हाई बेड। ये हाई बेड बॉडी पे बना हुआ है, और लेकिन इस बॉडी में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये उठा हुआ है। ये ज़्यादातर दुबई, सऊदी, कुवैत में जो ट्रक चलते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। धर्मेंद्र भाई इसकी कोई खास वजह? क्योंकि ज़्यादातर देखा मैंने यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये रहता ही नहीं है उसमें। इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये बहुत मतलब सुरक्षा के लिए अच्छा है। सुरक्षा के लिए अच्छा है, सही बोला आपने, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं आएंगी, वो एक बार बांधने पर इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होंगी। सही बात है ये बिल्कुल। बाकी दोनों ये क्या चीज़ है धर्मेंद्र भाई, इसमें बेल्ट फंसाते हैं? हाँ, इसे मशीन लगाते तो इसमें मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम टेलीवर से टाइट कर देंगे, मस्त ये ढीला नहीं होता है। ये इसको इसमें डाल के बेल्ट को, हाँ, उसके बाद टेलीवर से टाइट कर देंगे। हाँ, बेल्ट इसको लॉक लगा देंगे। हाँ, ये ढीला नहीं होगा फिर। अच्छा, मतलब झंझट पालने की जरूरत नहीं हो लगा के उसको, मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये इसका कछुआ लगा हुआ है, ये कछुआ मतलब यहाँ से ये टिकता है, वो उससे टिक जाता है। ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ है इसका, मतलब यहाँ आराम से बेड लगा के सो भी सकता है इंसान, लेकिन सोना नहीं चाहिए भाई। वो तिरपाल लकड़ा रखने के लिए ऐसा, उसके लिए अच्छा। हाँ, नॉर्मल दे दी। ये क्या है, कॉइल पोजीशन ही के लिए वो कुछ और दे रखा होगा, वो भी सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आपको। यहाँ पे ये कुछ रखने के लिए बॉक्स वगैरह दे रखा है। पीछे का टायर बिल्कुल नया टायर है, बिल्कुल नया ट्रक है, मतलब अभी अभी आया हुआ है ये ट्रक। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, पीछे की हेडलाइट देख सकते हैं आप। हॉर्न वराज ट्रेलर वगैरह जो है लिखा हुआ है। नीचे का सेटअप दिखा दूँ मैं आपको, इस तरीके का नीचे का सेटअप है, उधर मैं जा नहीं सकता, अंदर आ जाओ इस तरफ से। हैं धर्मेंद्र भाई ये देखिए, इस तरफ से पूरी प्रोफाइल देखते हुए चलिए। बड़ा सारा जो है कि कंटेनर इसमें लगा हुआ है, जल्दी जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। यहाँ पे कबानी सेटअप भी आप देख सकते हैं, तो स्टॉपर यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्टॉपर लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पे यही बैठ जाए क्या? आइए ना आप भी। हाँ, मैं आता हूँ। ये सेंसर वाला इसका एक्सीलेटर आपको मिल जाएगा, BS6 है तो सब चीज़ें सेंसर वाली ही मिलेगी। हैंड ब्रेक यहाँ मिल जाता है, इंडिकेटर दिया हुआ है, नॉर्मल सा गेट है, ये लॉक अनलॉक अच्छा है, विंडो चलाने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, चढ़ना भी काफ़ी जो है कि इजी है, यूँ करके चढ़ सकता हूँ। ये स्टीयरिंग इसका खूबसूरत सा स्टीयरिंग, ये क्या चीज़ें दे रखी है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? हॉर्न का लगाया हुआ है अलग से, प्रेशर हॉर्न का लगाया। अच्छा, ये हॉर्न का लगाया हुआ है। धर्मेंद्र भाई AC आता है इसमें? नॉन AC है ये। ऑप्शन में आ सकता है, AC ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। नए वाले सिग्ना वाले ट्रक में जो बॉडी वाले ट्रक रहते हैं उनसे अच्छी चीज़ ये लगती है, ये जो स्टीयरिंग है वह बड़ा खूबसूरत आता है इसका। ये कुछ इसकी MID स्क्रीन है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, अप डाउन मोड वगैरह कर सकते हैं। ये स्पीड, RPM, टेम्परेचर, फ्यूल दे रखा है। बाकी भाई ने म्यूजिक सिस्टम आपने अलग से लगवाया था?
ये खाली कूलर वगैरह एडजस्ट करने का सात टोटल सात गियर है, न्यूट्रल कर दूं हो गया। अरे भाई स्टार्ट करके देख सकते हैं एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, चाबी ऑन करके स्टार्ट करो, मतलब कर लो अभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिना क्लच दबाए। हाँ कोई बात नहीं, पहले चाबी स्टार्ट करके इतना तो सीख गया हूँ मैं कि वापस घूम के जो है अपनी जगह पे आ जाए। हाँ इससे वायरस नहीं आएंगे गाड़ी में। अब कर सकते हो स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, अब कर बिल्कुल। लाइट सा साउंड है, साउंड बिल्कुल आ नहीं रहा, बहुत ही कंफर्टेबल में है पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है यार, ये कार जैसा फील हो रहा है बिल्कुल, मतलब यहाँ से ऐसे बैठा हुआ हूँ। मतलब सीट एडजस्ट कर लूंगा मैं तो, बिल्कुल जो पोजीशन है ना ये भाई बहुत प्यारी पोजीशन लग रही है, और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब ये देखो आप यहाँ से दिखता कितना प्यारा, पूरा विजिबल बहुत अच्छे से हो रहा है। और मॉडिफिकेशन के तौर पर भाई ने देखो ये करा के रखा, बस यही कराया हमने मॉडिफाई में, और कुछ नहीं कराया है। ये भी आपने खुद ने करा लिया? अच्छा लग रहा है रात में, और अच्छा लगता होगा, चमकता होगा ये खुद से गाड़ी अच्छी लाइट वाली पुश वाली लाइट है ये, अगर ऐसे करो ये दोनों जगह, ये आपने खुद से मन से करा है, अच्छा लगता है। सामने नहीं कराओगे आप कुछ भी? सामने घास लगा है। अच्छा सामने ज्यादा मॉडिफिकेशन वो लगा लो तो दिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, बस इतना होता है। हाँ वो लगाइएगा, थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है बाहर की, दिखता नहीं है उसमें। बस मुझे एक ही चीज थोड़ी सी लगती है इसमें, पहले इसको बंद कर दूं धर्मन भाई, है ना, कर दूं बस। एक ही चीज थोड़ी सी लगती है, जैसे दूसरे ट्रक जो आता है अशोक लीलैंड का ट्रेलर वगैरह, ये थोड़ा अंदर रहता है तो उसकी वजह से जगह ज्यादा मिल जाती है। इसमें भी जगह है? नहीं, नहीं जगह तो इसमें बहुत है, बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन ये बहुत बाहर नहीं दीदी आपको ऐसा नहीं लगता? कुछ ऐसा लगता नहीं है धर्मन भाई। आपने जैसे कि बताया यूपी के हैं आप, इसको चलाते हैं तो ये जो लो बेड ट्रेलर होता है इसमें टोटल यही माल आते हैं कंटेनर? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी माल लोड कर सकते हो, कोई भी माल इसमें लोड कर सकते हो, जो इसके काबिल रहता है। एक हाई बेड आता है, ये हाई बेड है, सॉरी ये हाई बेड है, एक लो बेड आता है, है। क्या फर्क होता है वैसे दोनों? इसमें क्या है, इसे इसमें क्या है, नॉर्मल माल जाता था जी, इसमें क्या हैवी माल जाता है, हैवी माल। अच्छा इसमें ओडीसी माल भी चला जाता है? इसमें भी ओडीसी आता है, उसमें भी जाता है, बट वो कहता है ज्यादा से जिसे ज्यादा हाइट रहता है तो उसमें उसके लिए ज्यादा सही पड़ता है। ट्रांसफार्मर वगैरह ऐसे माल हुए, ट्रांसफार्मर वगैरह, पोकलेन हो गया, जेसीबी हो गया। लेकिन वो जो लो बेड ट्रेलर होते हैं उनके भाड़े बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें हैवी माल जाता है, तो ये वाले जो ट्रेलर रहते हैं ये भी उतना ही भाड़ा रहता है इनका भी? थोड़ा बहुत सेम पोजीशन का जैसे ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर इसके ऊपर रखा के क्यों आया? क्योंकि कंटेनर तो कंटेनर ट्रक में भी तो आ सकता है? नहीं वो बात नहीं, कंटेनर इसको उठाना पड़ता है अलग से, कंटेनर यार्ड में जाएंगे इसको भरेंगे। अभी जिसे हमने भरा है ये खाली कंटेनर है? नहीं खाली कंटेनर हमने उठाया, फिर मुंद्रा गया, मुंद्रा से माल भरा, मुंद्रा गुजरात। हाँ उसके बाद ये खाली होगा जाके अभी भोपाल में, ये कंटेनर खाली होगा? नहीं ये माल खाली होगा, माल खाली होगा, कंटेनर इस पे ही रहेगा, कंटेनर इस पे रहेगा, ये कंटेनर जाएगा कानपुर खाली होने, कंटेनर उतार के फिर दूसरा उधर से माल भरेंगे। अच्छा तो कंटेनर इसलिए रखते क्योंकि कंटेनर के अंदर माल होता है? हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि खाली कंटेनर रखा के जाते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अगर ये कंटेनर का ही माल रखना है तो जो कंटेनर ट्रक चलते हैं उनमें नहीं ले जा सकते क्या माल? नहीं जैसे क्या होता है आठ में जाएंगे, जैसे भी पार्टी वाले का ऑर्डर रहेगा हाँ। तो खाली एम्प्टी कंटेनर भी उठा सकते हैं आप? अच्छा कंटेनर उठा के कंपनी में जाएंगे माल भर के वापस कंटेनर खाली करेंगे। अच्छा कंटेनर खाली करेंगे तो वो काम ये भी कर सकता है और वो वाले ट्रक भी कर सकता है कंटेनर वाला जो आता है, ये शायद इसमें ज्यादा माल चला जाता होगा आपका है ना, उसमें इतना माल जाता नहीं होगा। इसका कोई आइडिया आपको क्या भाड़ा वाड़ा रहता होगा? भाड़ा तो अपने को उतना आइडिया नहीं है। अच्छा लेकिन फिर भी एक जनरल मार्केट के हिसाब से जो ये हाइब्रिड गाड़ियां होती है इनका क्या भाड़ा रहता होगा? अभी ये कम से कम 2 लाख रुपए ऐसा होगा, 2 लाख रुपए एक, मतलब एक साइड का वहाँ से मुंबई से यहाँ गुजरात से 180 ऐसा कितना पड़ता होगा गुजरात से? ये पड़ेगा अपने को 900 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ जाने में, 900 किलोमीटर आना 900 किलोमीटर जाना, तो 1800 किलोमीटर का मतलब इसमें 180,000 तक भाड़ा पड़ सकता है आने जाने में, तो ये तो अच्छा खासा भाड़ा है यार इसमें। खुद भी लेकिन उतना अपने को नॉलेज नहीं है, पर हम अपने अंदाज से बता रहे हैं, अंदाज से जो मार्केट में आप चल रहे हैं उस हिसाब से आपने बताया, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से हाईब्रिड लो बेड जो गाड़ी रहती है इनके भाड़े रहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा और कम हो सकता है। आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में अरविंद भाई? 2012 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। 2012 से ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, आप क्या सीखने आए? क्या नाम है आपका? सत्यम। आपकी क्या एज होगी? 18। आप भी नौजवान है और हमारे धर्मेंद्र भाई आप भी मतलब बहुत ज्यादा उम्र वाले नहीं लग रहे हैं जी, तो जैसे आप 12 साल पहले क्या सोच के दूसरा काम छोड़ के इस लाइन में आए? अरे कुछ नहीं भैया, हम दूसरा काम नहीं किए हैं, मतलब शुरू से हम यही काम किए, पढ़ाई छोड़े तो यही डायरेक्ट इस पे ही काम किए। अच्छा पहले हेल्पर ही किए फिर ड्राइवरी कर रहे अभी, तो मन लग गया? कैसी लगी आपको इतने साल में? सही है, बढ़िया है, उतना भी पहले ज्यादा सही था, अभी बहुत
पोजीशन खराब हो गया है ड्राइविंग का, बट क्या करें, ठीक है। सही बात है। और आप जैसे, आप तो 18 साल के हैं, आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी? नहीं। है? आपका कैसा मन कर रहा है इसमें आने का? बस ऐसे ही मन लग गया, गाड़ी सीखने का मन किया, चले आए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जैसे आपने 12 साल तो दे दिया धर्मेंद्र भाई, 12 साल में एक मतलब आपको कैसा लगता है कि यार मेरी फैमिली से भी मैं किसी को लाऊंगा इस लाइन में, या किसी को कोई आना चाहता है तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? मैं तो नहीं लाऊंगा भैया। हैं? नहीं लाऊंगा। नहीं लाओगे? नहीं, ड्राइविंग नहीं सिखाऊंगा, ड्राइवरी बहुत खराब हो गया पोजीशन। क्यों क्यों नहीं सिखाओगे? वो इज्जत पानी खत्म है, कमाई धमाई नहीं रहेगी पहले जैसा। बाकी आदमी जो गाड़ी सीख लिया तो दूसरा काम नहीं कर सकता। सही बात है। पेमेंट वगैरह आपको क्या मिल जाता है? पेमेंट अभी तो हमको 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। अच्छा, और वो भत्ता अलग मिल जाता है? 500 रुपया भत्ता अलग। सही बात है, अच्छी पेमेंट बता, इनकी भी फिर उतनी हो जाएगी धीरे से। वैसे आपने अशोक लीलैंड वगैरह के दूसरे ट्रक चलाए? हाँ, मैंने चलाया अवतार गाड़ी, AVTR गाड़ी जो आता है। तो क्या फर्क लगा आपको, कौन सी बेहतर लगी? मेरे को गाड़ी दोनों ही अच्छी है, ऐसा नहीं है, वो भी गाड़ी अपनी जगह पे अच्छी है, लीलैंड भी। हाँ। और ये भी अच्छी है। ज्यादा फर्क आपको लगा नहीं? नहीं, कुछ फर्क हमको ऐसा लगा आपको अशोक लीलैंड में कम पावर हो, टाटा में ज्यादा हो? ऐसा कुछ नहीं है। कितना माइलेज दे रहा है ये टाटा? ये 3-6 का माइलेज दे रहा है अभी मेरा लोड गाड़ी। लोड गाड़ी 3-6 का माइलेज निकाल दे रही है? तो उसमें दिया रहेगा, चाबी ऑन करो। अच्छा, मतलब इसमें जो देता है वही माइलेज बताता है क्या? 3-6 का माइलेज तो अच्छा दे दिया इसने, मतलब सारी कंडीशन मिला के 3-6 का माइलेज आ गया। 3-6 का माइलेज दिया हुआ यहाँ पे। कितने तक चला लेते हैं आप इसे, मतलब कितनी स्पीड इसका, तक चलेगा? इसका नॉर्मल जो स्पीड है 60 स्पीड है, 15 RPM चलेंगे तो उतना इसका चलेगा, नहीं तो फिर गियर नहीं लेगा गाड़ी, आवाज आने लगेगा। 60 का स्पीड इसका है, 60 के स्पीड में बढ़िया चलेगा, बढ़िया मस्त चले एकदम। 60 से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए? नहीं, इसका स्पीड लिमिट जो है वही चलाते हैं नॉर्मल। अभी तो 60 से ऊपर जाती भी नहीं होगी ना ये? जाती मगर हम भगाते नहीं है। अच्छा, आप भगाते नहीं है। जैसे एक बात बताइए, जैसे सीमेंटेड रोड पे भी आप खड़े हुए हैं, मैंने एक दिन इसके अंदर बैठा था, 55-30 जो सिग्नल ट्रेलर आता है, तो सीमेंटेड रोड पर पटकती है ना, ये भी करता है। तो ये मतलब सस्पेंशन सही नहीं है क्या केबिन वाला? टाटा का सस्पेंशन मेरे को लीलैंड का सही लगता है। अच्छा, क्योंकि लीलैंड नहीं करता, लीलैंड नहीं करता। हालांकि मैं लीलैंड में बैठा तो नहीं हूँ, बैठूंगा तो पता चलेगा। मैं उसमें बैठा था, मान के ट्रक देखे आपने? मान के आता मान के देखा, क्या ट्रक है यार वो भाई, भारत रेंज में बैठ जाओगे उसमें भी इतना नहीं करेगा, उसमें भी इतना नहीं करेगा। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा कर रहा था इसका केबिन, बहुत ज्यादा हिल रहा था, मतलब नॉर्मल से ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था थोड़ा उसमें। खाना पीना आप क्या करते हो, बाहर बनाते हो? बनाया था, ये देखो गैस वैस है, खाना बनाए थे होटल पे, कोई मतलब नहीं है। घर पे क्या बीवी बच्चे वगैरह सब आपके? वाइफ है। अच्छा, और कुछ काम घर पे? घर पे क्या कुछ नहीं, खेती बाड़ी है वही सब। मेरे ख्याल से जाम की वजह से बहुत टाइम से खड़े होंगे? जाम, दुनिया भर का रास्ते का मगजमारी, फिर पैसा भी सेठ से बड़ा, अभी तो मान लो ये सेठ थोड़ा सही है, बाकी और मैं हर जगह गाड़ी चलाया तो पैसा भी देने कोई राजी नहीं रहता सेठ लोग। अच्छा, अभी क्या हर चीज तो मालूम पड़ गया, गाड़ी डीजल चोरी कर नहीं सकते हो, टूलना का चोरी कर नहीं सकते हो। ईमानदारी है तो ईमानदारी में सेठ उतने पैसा देते हैं जितने में आप खा लो बस, बाकी कुछ कर नहीं सकते। सही बात है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं सेठ थोड़ा कुछ जो सेठ है हरकत करते होंगे, इस वजह से ड्राइवर सोचता कहीं और से बचा लूंगा, लेकिन वो बचा नहीं सकता है ना, अब बचा नहीं सकता। जैसे इस पे एक जो चीज लिखी हुई थी, मैं आपको बताऊं, टाटा का जो लिखा हुआ है ये कंपनी ने लिखा है, लेकिन वो वही चीज है जैसे आपकी गाड़ी का सब पता रहता होगा, कितना माइलेज दे रही है, कितना डीजल खा रही है, वो सब उसमें बताता है, वो एप्लीकेशन है टाटा का। डीजल टैंक में सेंसर लगा है, डीजल टैंक में भी सेंसर लगा है ना, कहाँ खड़े हो आप, कितनी गाड़ी चल गई, कितनी स्पीड में चल रही, सब चीजें आती है। लेकिन आपके हिसाब से धर्मेंद्र भाई, क्या एक ड्राइवर की सैलरी होना चाहिए अगर वो एक 12-15 साल इस लाइन को दे दे? मेरे हिसाब से भैया 40 के ऊपर सैलरी होना चाहिए, 40 के ऊपर सैलरी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि टाइम के हिसाब से क्या है, देखो ना अभी 10-20 हज़ार क्या रुपया मान लगता है। सही बात है, 10-20 हज़ार कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। 40 से ऊपर आपकी जैसे बड़े ट्रकों में होती है ये, होना चाहिए लेकिन, बट वोल्वो ट्रक देखे आपने? वोल्वो हमने, आप कंपनी जो VRL वगैरह का ट्रक है, VRL हो गया, आपने किलोमीटर से डिलीवरी हो गया उसमें भी चल रहे सब वोल्वो, उसमें क्यों नहीं ट्राई करते आप? उसमें हमने गए नहीं, कुछ सोच रहे हैं कुछ, उसमें भी सैलरी उतना नहीं है, उसमें डबल ड्राइवर है। मेरी बात तो सुनिए आप, मैंने उसका इंटरव्यू करा है, आप मेरे चैनल पर देखना भी, मैं बताऊंगा आपको। उसमें किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट रहता है ना? 6-7 रुपए किलोमीटर बताने वाले बताते, पर रहता नहीं इतना। अच्छा, क्योंकि हमारे एक दो दोस्त शायद गए हुए हैं जी, उनका ही सैलरी 20-25 हज़ार आता है एक डबल ड्राइवर का, डबल ड्राइवर उसमें रहेंगे। हाँ, डबल ड्राइवर रहेंगे तो शायद ऐसा 25,000-30,000 ऐसा आता है एक आदमी। नहीं, उसमें ऐसा रहता है कि जब नया इंसान ड्राइविंग करता है ना, तो 3 साल तक तो उसको 1,000 किलोमीटर का एरिया देते हैं कि इतने इतने में चलना है आपको। अब वो 3 साल परमानेंट टिक गए ना, तो उसके बाद उसको सैलरी बढ़ जाती है, किलोमीटर पे पैसा उसका बढ़ जाता है, और फिर पूरा इंडिया दे देते हैं उसे।
तो फिर भी अगर अपन जैसे ऐसा तो नहीं बोले कि रोज का 4-5 हज़ार ड्राइवर कमाता है, लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार ड्राइवर उसमें कमा लेता है जो 3 साल दे चुका है कंपनी में। अच्छा, जो 3 साल दे चुका है। हाँ, उस कंपनी में दे चुका है वो कमा लेता है। तो कभी आप ट्राई करना अगर आपका मन हो तो, उसमें नंबर लिखा ही रहता है पीछे। आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है, हमको बहुत बार बोले पर हम कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करके देखिएगा। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे ये लाइन आगे जाके, क्योंकि भैया की हालत देखो अभी आप धनधन भाई की। हम तो नहीं, मना तो बहुत किए थे कि मत जाओ मत जाओ, मगर मना किए थे घर वाले तो बहुत मना किए मत जाओ करके, फिर नहीं माने आप। जाना है मुझे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा भैया ड्राइवरी सीखे, ड्राइवरी कोई अच्छी बात नहीं है, पढ़ो लिखो दूसरी नौकरी कर लो अच्छी है, सबका अपना अपना फंडा रहता है। सही बात है भाई। तो गाइस ये था हमारा भाई के साथ वीडियो, सबका एक अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, भाई का एक्सपीरियंस ऐसा है, ये चीज़ें कुछ कॉमन से क्वेश्चन सबसे पूछना ज़रूरी है, क्या इंसान जवाब देता है, इसलिए मैं वो कॉमन से क्वेश्चन पूछता भी हूँ। बाकी जो भाड़े का बताया भाई ने एक अपने अंदाजे से बताया, लेकिन इसके आसपास ही इसका भाड़ा होता है, क्योंकि जो इसके पहले मैंने लो वेट वाला आपको बताया था नीचे, उसका तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हैवी मटेरियल्स ट्रांसफॉर्मर वगैरह जाते हैं, स्लो भी चलता है। इसका भी जो आइडिया था भाई से ले सके वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, उनके तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने अपने जवाब भी दे दिए। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, में थोड़ा चाय वाय मिल लेता हूँ उनके साथ।